उतर चुके हैं फेरी से और स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। बट सबसे पहले हमें देखना है कि मैं जाना किस डायरेक्शन में, क्योंकि मैं जितने भी हैं सब अनोन है इस रास्ते के बारे में। ट्रैकिंग के तो बहुत सारे रास्ते होते हैं बट एक हमको थोड़ा ईजी वाला ढूंढना है, क्योंकि प्रोफेशनल्स तो मैं नहीं, अदरला हमने स्टार्ट करी और थोड़ी देर बाद यहीं चल पड़े हैं। तो इसलिए देखते हैं, पहले फॉलो करते हैं लोगों को और देखते हैं क्या है रूट। आइए आपको भी दिखाते हैं साथ में। जो व्यू है ना बड़ा प्यारा सा है, मतलब एक शांति हांगकांग बिजिएस्ट लाइफ से तो बिल्कुल एकदम सुनसान, नेचर की ब्यूटी, नेचुरल चीज़ें, मतलब काफ़ी एक होता है रिलैक्सिंग वाला वो है। और यहाँ पर आप उन्हें देखो थोड़े मोटे से रेस्टोरेंट्स भी दिख रहे हैं आपको, बस ये एक दो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर जो स्टार्टिंग में ही है, वो जो हमने आपको बताए थे कल की वीडियो में कि लोकल्स के होते हैं बस यही हैं वो। इसके अलावा आपको कोई अच्छा वेल डिसेंट मैनर्ड रेस्टोरेंट कुछ नहीं यहाँ मिलेगा समय से। प्योरली विलेज कंसीडर्ड हांगकांग विलेज। याद है जल्दी पत्ता में नहीं, मतलब पर पांडे जी गलत बात है, तुमने तो मना किया था चढ़ाई नहीं है। पांडे जी कल पांडे जी 5 मिनट चढ़ गए थे, पता है छोटी वाली पहाड़ी थी हाँ सिटी वन वाली। अरे जान दे भाई उसको भी विजय नहीं काटेगा पाटेगा नहीं वो, अब इतने लोगों की आदत हो गई उसको भी। हाँ एक्चुअली देख रहा बैच आ गया, बैच के लिए साथ जा रहा हूँ। और हम यहाँ बात कर रहे थे इन भाई साहब की, ये हमारे साथ साथ चल रहा है। इंटरनेट खतरनाक है तो पता नहीं है। प्रशांत सर अगली बार से आएंगे भी नहीं, झूठ बोल बोल के ला रहे तो। हाँ बोला तो चलना नहीं है, जो हाइकिंग नहीं कर रही है तुम चढ़वा रहे थे। प्रशांत सर समझ गए अब, प्रशांत सर नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा ठीक है, जब ये मना करें। बड़ा साफ सुथरा सा लग रहा पानी तो। हाँ बड़े खड़े होकर फोटोग्राफी कर रहे हैं सुधीर जी, कहाँ के हमारे बीच नहीं मतलब वैसे नॉर्मल है वो होगा ना वैसे वाली। हाँ सैंड टाइप से बैठ करने के लिए बीच वैसे वाले बीच जैसे वहाँ पे होंगे। क्या ले रहे हैं व्यू? अच्छा वो पत्थरों का ले रहे हैं, वो जो ऊपर हैं तीन हो रहा। वो लोग कहाँ चढ़ गए देख, देखो लोग कहाँ चढ़े हुए हैं वो रहे देख ऊपर। तो यही तो रास्ता है हाइकिंग का, इसको जाते हैं मतलब। हाँ भाई साहब लोग उस ऊपर पहाड़ी पे हैं और आप देख पा रहे हो तो वीडियो में होपफुली। सुधीर जी कहाँ निकल लिए? अच्छा सामने जा रहे हैं फिर ठीक है। सुधीर जी पांडे सुधीर जी को फॉलो कर रहे होंगे? नहीं सुधीर जी अकेले कहीं वादियों में खो गए हो, कहाँ खो गए हमारे सुधीर जी को? क्योंकि एक टीम मेट गया तो सुधीर जी का मतलब दो बंदे गायब हो गए हमारी टीम से, सुधीर जी की तलाश जा रही है। कहाँ खो गए थे? उल्टे इधर आए थे कुछ नहीं, इधर बीच ही है वैसे जो छोटा सा बीच मतलब वो है उधर ऊपर है ना ऊपर ऊपर साइड है ना। हाँ और जी थोड़ी देर बाद हमें फील हो गया कि हमने गलत रास्ता पकड़ लिया है और हम
आपको इस साइड नहीं जाना, आपको कहीं दूसरी साइड जाना है। सब थोड़ा इशू था कि हम वैसे किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे लोगों के घर में चेक किया हमने, बेसिक फ़ोन से मोबाइल नेटवर्क किसी का काम नहीं कर रहा था। तो फिर हुआ ये प्लान कि वापस चलते हैं जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, और फिर वहाँ से चेक करते हैं कि जाने का जो हमारा वे है, जो हमको लाइट हाउस देखना है और जहाँ पे जाना है उसका रास्ता कैसे है। तो हम सब वापस गए बैक टू द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी। सही रास्ता पकड़ लिया है किसी ने, तो बोला कंफर्म कर दिया हाँ, कि भाई इधर जाना हो, वो समझ गया ना कि हमें कहाँ जाना होगा। पांडे जी उसको मल्टीपल टाइम सोचते हैं, रह रह के याद करते तो लगता है बहुत बार हुआ। जोर से बोलो जय माता दी। हाँ आवाज ना आई, जय माता दी, विजय ने बोला। ऐसा लग रहा है अपने गांव में आ गया जंगल जंगल देख के। पांडे जी दिनो सही जगह ना। हाँ खत्म है यहाँ तो। भाई साहब सबने क्राइम पेट्रोल देखा है ना, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे सर। नहीं वो ठीक है, क्राइम पेट्रोल सबने देख रखा ना, ऐसे ऐसे जाता है वो। इसका मतलब हम सही हैं है? लिटरली गांव का फील आ रहा मुझे बिल्कुल अपने कि खेत में योग रहे हैं। ये हांगकांग की गांव पगडंडियां। आराम से पांडे पत्थर तोड़ दिया। अब चेक कैसे हो, चाया कैमरा ही लगा हुआ है। पांडे जी आप सबसे पीछे रह गए, रास्ता वास्ता टूट जाएगा। पांडे जी बोल रहे हैं कि आगे निकल जाए, पता पीछे फंस गए कि पीछे फंस गए पीछे ही। वैसे यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होगी, सही बताएं है ना। मतलब क्या आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए मिला हमें यहाँ पर, एक जीव जंतु होता है। अच्छा बिल्कुल ठेठ गांव है बिल्कुल एकदम। अब इतना ग्लैमर दिखा दिया मैंने स्टार्टिंग में, सर गांव के ग्लैमर की बात ही अलग होती है। क्या करें, कुछ दिखेगा यहाँ पे ऐसा लग रहा है हांगकांग सरकार यहाँ पहुंच नहीं पाई अभी तक। यहाँ तो ये भी नहीं कह सकता खेती हो रखी है। अरे नहीं भाई इसे चरी बोलते हैं, चरी जो गाय भैंस को काट के खिलाते हैं। गन्ना नहीं है रे, और वो रहा हमारा लाइट हाउस जहाँ हमें जाना है। हाँ तोरे वाले तो ले चलेंगे ऑर्गेनिक वाली। किससे बोल रहे हैं आप, हमसे क्यों बोल रहे हैं? लोग आने के चक्कर में, वीडियो लगाने के चक्कर में सब कुछ है, पोता उठा के ले आए सर। मैं उठा के ले, वाह ये जो बहुत सही तरीके से थोपा गया ना मेरे ऊपर, और क्या कितना बढ़िया, दो बार से कैंसिल हो रहा था। लेकिन व्यू बड़ा प्यारा लग रहा है, पूरा उधर से देखे ना, पूरा पूरा एकदम।
अच्छी जगह एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ क्या सही है, देखो ब्रिज, ब्रिज देखो क्या सही लग रहा है एकदम। वाह 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 वाह, अब मैं पक्का वीडियो के पीछे जरूर डालूंगा वाला का। तो जी इतनी ऊंचाई पाने का था वही प्रॉब्लम स्टार्ट, क्योंकि हवा बहुत तेज है और मैं कुछ भी बोल रहा हूँ कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा फोन में। उसकी जो पीछे की नॉइज है डिस्टर्बेंस है वो इतनी ज्यादा है कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो उसका सॉल्यूशन वैसे है कि मुझे डालना पड़ रहा है बहुत सारा वॉइस ओवर अब यहाँ के बाद में। डिस्टर्बेंस का विंड की का वो ये है कि जो पहाड़ों की जो शेप है वो जो वी शेप में है और बीच में विंड ब्लो कर रही है तो सीधी मेरे कैमरा में आ रही है। जो उसका माइक है वो बिल्कुल डक चुका है उस वजह से, क्योंकि जो मेरी फ्रीक्वेंसी और जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी बहुत वेरी है इसलिए। जो आपको यहाँ जो लोग दिख रहे हैं वो कर रहे हैं रात की कैंपेन की प्लानिंग अपने, वो रात में स्टे करेंगे और बाय टुमारो और जब भी उनका प्लान हो जाएंगे, बट ये रात को ही रुकेंगे क्योंकि इसलिए वो पोर्टेबल टेंट और सब कुछ लेकर आते हैं आते हैं और अपना बोन फायर करते हैं और आराम से एंजॉयमेंट करना तय करते हैं। इस टाइम हम ढूंढ रहे हैं अपना ब्रेक लेने के लिए कोई एक जगह, क्योंकि धूप बहुत तेज है ऊपर से तो नॉर्मल शेड्स यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। तो हम ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई अच्छी सी जगह मिले हम थोड़ी देर बैठ सकें, रेस्ट कर सकें और कुछ खा सकें, क्योंकि चलते चलते काफ़ी थक चुके हैं ऑलरेडी। प्रोफेशनल हाइकर्स हम हैं नहीं, ये घंटे घंटे तीन चार घंटे चल रहे हैं ऑलरेडी, हमें चलते चलते मोर देन टू आवर्स हो चुके हैं। तो देखते हैं हमें कहाँ जगह मिलती है। और फाइनली हमको मिला एक बहुत बड़ा सा पत्थर जिसके नीचे हम आराम से पाँच छः लोग जो भी हैं आराम से बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, शेड एज अ शेड यूज़ करेंगे हम, क्योंकि छोटा पत्थर नहीं है, काफ़ी बड़ा पत्थर है जैसे लाइक केव बन हुई छोटी सी, तो उस पर रुकेंगे थोड़ा देर रेस्ट करेंगे एंड आ जाते हैं फर्दर। और एज यूजल मैं वीडियो को आज यहीं एंड करूँगा, ऑलरेडी हम अपने हाफ जर्नी कवर कर चुके हैं और द नेक्स्ट जर्नी आपको दिखाऊँगा अपना नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे इस आइलैंड को, इवन मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि जो व्यूज़ देख के आके मन कर रहा है कि बस थोड़ा यहीं रुक जाओ आराम से। एक होते नहीं हैक्टिक लाइफ डेली मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 वाली वर्किंग 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 सेम थिंग एवरी डे, तो जस्ट फॉर रिलैक्स फॉर चिल आउट। प्लेस बहुत अच्छा है, रिलैक्सिंग है, क्लोज टू नेचर है फॉर दैट रीज़न। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी बिल्कुल एकदम एंजॉयमेंट वाली, जिसमें मैं आपको सुधीर जी का डांस दिखाऊंगा। जस्ट फॉर अ क्लिप तो मैंने अभी डाल देता हूँ वीडियो एंड में, बाकी डांस फुल आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।
ले लो ये पंजाबी ढोल। अरे इधर ना कीजिए पार्टी इधर। प्यार देना दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए। पानी उसको डांस करो यार। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए।